अरे आए आए, आप तो शेप के वाले साहब, बैठे बैठे आओ तो बैठेंगे। जी मास्टर साहब, दसो के हुए? क्या हुआ है? पूछे अपने बेटे से। इसी से पूछना होता तो मैं घर में पूछ लेता, या स्कूल में क्यों बुलाया मुझे? चलो छोड़े, मैं ही आपको बताता हूँ। हाँ जी दसो के दसने नहीं पैसे ले सो। आपका बेटा इतना नलायक है, ना इसको पढ़ना आता है ना लिखना आता है। जी जी, इसको कुछ नहीं आता तभी हम इसको स्कूल भेजते हैं। अगर इसको सब कुछ आता होता तो इसको स्कूल भेजते, इसको तो अफसर लगाते कहीं। एक सेकंड, आप जरा इसका पेपर देखिए। वो असल में मुझे पढ़ना नहीं आता, आप पढ़ के बताइए इसमें क्या लिखा। चले छोड़े, मैं ही आपको पढ़ के बताता हूँ। तो सवाल था कि कायदे आजम कब पैदा हुए, तो इन्होंने लिखा है 1876 में। हाँ तो ठीक ही लिखा था ना। आगे सुने, अगला सवाल था कि कायदे आजम के साथ 1906 में क्या हुआ, तो भाई साहब लिखते हैं कि कायदे आजम 30 साल के हुए। तो 30 साल के हुए थे, सही तो लिखा उसने। ओहो, जवाब था कि 1906 में कायदे आजम ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। अगला सवाल था कि औरंगजेब की लाइफ के बारे में लिखे, तो ये भाई साहब अपने दोस्त औरंगजेब के बारे में लिखे। मैं तो जिस औरंगजेब के बारे में जानता हूँ उसी के बारे में लिखूंगा ना। औरंगजेब आलम की बादशाह के बारे में लिखना था, नलायक सड़क छाप औरंगजेब के बारे में नहीं लिखना था। पुत्र लाने तो तेरे। अरे और सुने, मैथ्स के पेपर में क्वेश्चन था फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, तो ये भाई साहब लिखते जो छोड़ के उसको क्या वैल्यू दे दी। हाँ तो दो थे बात थी तमीनी कि देख रहे हैं ना ये हरकतें इसकी क्लास में। आगे सुने, सवाल था कि कछुए और खरगोश की कहानी से आपने क्या सीखा, तो ये भाई साहब लिखते हैं रेस भले ही बंदा हार जाए पर नींद पूरी होनी चाहिए। एक्चुअली मसल रब जुबान चलवाने से। आगे सवाल था कि अलामा इकबाल की जिंदगी पर रोशनी डाले, तो ये भाई साहब अलामा इकबाल की तस्वीर बना के ऊपर टॉर्च बना दी। ये सब लिखा है इसने पेपर में, अब आप बताए मैं इसका क्या करूं। लू के पट्टे, तुझे मैं पढ़ने भेज रहा हूँ स्कूल और ये क्या रिपोर्टें मिल रही है मुझे। तुम आज घर चलो, तुम्हें घर जाके मैं बताता हूँ। ओ लोहा गरम है, थोड़ा और तपाता हूँ। आपको पता है इसकी वजह से पूरे स्कूल का नाम बदनाम हो रहा है। बेटा तुम्हारे साथ घर चल, मास्टर साहब ये कल से पढ़ने नहीं आएगा, कल से मेरे साथ दुकान पे जाएगा। स्कूल में वैसे ही टीचर्स की कमी है, अगर इन्होंने अपना बच्चा हटा लिया तो कहीं प्रिंसिपल मुझे स्कूल से निकाल ना दे। नहीं नहीं, हम आपके बच्चे पे तवज्जो देंगे, हम आपके बच्चे को पढ़ाएंगे, अभी अच्छा पढ़ेगा। यदि मास्टर साहब कल से तो ये काम ही करेंगे। अरे रुके, मेरी तो नौकरी कहीं।